हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। जैसे कि पिछला लेक्चर जो मेरा देखेंगे उसमें मैं बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं बोला था कि एक्सेप्शंस उसमें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है? तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई डॉट ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्शन क्या है, ठीक है? देखिए, पीरियड टू के एलिमेंट्स को हम लेते हैं, ठीक है? तो पीरियड टू के एलिमेंट्स में बताया था एनएस एंथैल्पी में क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, जिसको नहीं याद है फिर से वो देख ले, ठीक है? लेकिन याद रखा कीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन, ठीक है? एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। ये पीरियड में मैं क्या बताया था फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा मेरा पीरियड में। पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज होता है, ठीक है? जो नहीं देखे हुए मेरा पिछला वीडियो, थोड़ा सा ये समझ लें, लेकिन वो वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं देखे हुए तो ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है और आयनेशन एन्थैल्पी भी बढ़ता है, ठीक है? मैं बताया था ना कि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर अगर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव एक ही है, तो अपनी और ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो ये पीरियड का हो गया फ्रेंड्स। अब यही देखिए, हम लोग अब ग्रुप में देखते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है फ्रेंड्स, साइज मेरा बढ़ता है कि घटता है? डाउन द ग्रुप मेरा साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होता है तो मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, अगर किसी का मेरा साइज इंक्रीज हो, देखिए ये इतना बड़ा है और ये है, तो फ्रेंड्स कौन जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, बड़ा वाला कि छोटा वाला? पिछला वीडियो में मैं बताया था फ्रेंड्स, छोटा वाला खींचेगा, क्योंकि बड़ा वाला के पास क्षमता थोड़ा कम हो जाता है। जैसे मैं मैग्नेट का एग्जांपल दिया था ना, एनएस एन्थैल्पी में एकदम सेम वही चीज़ होगा इसमें भी। तो देखिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरा घट जाएगा और एनएस एन्थैल्पी भी घट जाएगा। इसलिए मैं पिछला वीडियो में बोला था कि आप एक याद रखिए, या तो एनएस एन्थैल्पी याद रखिए, या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ा और एनएस एन्थैल्पी बढ़ा, मतलब दोनों बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज के केस में। और देखिए ये मतलब पीरियड में, और ये ग्रुप में, देखिए ग्रुप में अगर साइज मेरा बढ़ता है तो मेरा क्या हो रहा है, देखिए दोनों फिर घट रहा है, देखिए, है ना? तो याद रखने का यही सही तरीका क्या कि दोनों सेम होगा हमेशा, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हम पीरियड टू में देख रहे थे, है ना? तो पीरियड टू छोड़िए, पीरियड में देखिए, पीरियड में क्या होता है मेरा, पीरियड में अगर जाते हैं तो पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट से राइट होता है पीरियड, है ना? तो लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो मेरा क्या होता है, अभी बताएं हम क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो बढ़ा वो भी बढ़ेगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका होगा, है ना? तो चलिए लिखते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मेरा क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा नियॉन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर सॉरी ये सो साइन नहीं दिए ना, ये कार्बन के बाद मेरा क्या आ जाएगा, कार्बन के बाद ये आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर मेरा लिथियम आएगा, है ना फ्रेंड्स? एक बार मिला लेते हैं, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, सॉरी कार्बन, बोरन, बेरिलियम, लिथियम, है ना? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डर ये हो गया, समझ में आया? लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी एक्सेप्शंस में बताऊँ तो समझ लेना, जो थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो कभी सही नहीं होता है एक्सेप्शन में, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये गलत है मेरा। कैसे गलत है फ्रेंड्स, देखिए कैसे हुआ, ठीक है? जैसे आयनेशन एन्थैल्पी में हम क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखे थे, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, लेकिन इसमें उल्टा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है? और आयनेशन एन्थैल्पी में क्या था, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना रहता था, तो उसमें एनर्जी देते थे निकालने के लिए, ठीक है? तो देखते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, उससे पहले समझ लेते हैं कि जैसे आयनेशन एन्थैल्पी में क्या था, जो ज़्यादा स्टेबल था उसका ज़्यादा आयनेशन एन्थैल्पी था, लेकिन इसमें उल्टा होगा फ्रेंड्स, क्या होगा कि जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उससे वो तो देगा नहीं, क्योंकि वो तो स्टेबल है ना? तो देखते हैं फ्रेंड्स,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो देखिए लिथियम है तो 1s2 2s1, तो ये 2s2 होगा फ्रेंड्स क्योंकि 4 होता है, और ये हो जाएगा 2p1 क्योंकि 5 होता है। देखिए इसको कर देते हैं 1s2 2s2 2p1, पूरा समझ में आ गया। ये 2p1 कहाँ से आया, उसी तरह 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या बोले कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन स्टेबल है, तो जो स्टेबल है वो सबसे कम होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये ऑर्डर के हिसाब से मेरा यही आता है या नहीं आता, एक्सेप्शन है तो ये तो आएगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा स्टेबल है, ये फुलफिल स्टेबल है, मेरा पूरा स्टेबल है, और ये भी देखिए मेरा हाफ फिल, ये भी स्टेबल है, और ये देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा, ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्या है इसका पूरा फुल है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या था मेरा नियॉन सबसे ज़्यादा था लेकिन सबसे कम आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। मेरा परफेक्ट ऑर्डर देखिए क्या होगा, परफेक्ट ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे कम होगा मेरा क्या, नियॉन। क्यों होगा, दो कारण है इसका। पहला कारण तो ये फुलफिल है फ्रेंड्स, और दूसरा कारण कि ये नॉबल गैस है, और नॉबल गैस का 0% टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। देखिए कहाँ एक्सेप्ट करेगा फ्रेंड्स, इसमें 6 होता है, पी में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है और 6 फुल है, तो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, 0% टेंडेंसी है, तो इसका मतलब सबसे कम होगा। ऑर्डर देख लीजिए कितना कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, ये सबसे ज़्यादा था, यही सबसे कम आ गया मेरा, ठीक है। तो ऐसे गलती मत कीजिएगा फ्रेंड्स, एक्सेप्शन हमेशा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कॉपी निकालें नोट करें, ये याद रखने का चीज़ नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन 2-3 बार से ज़्यादा पढ़ोगे तभी याद होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये, उसके बाद मेरा नाइट्रोजन भी मेरा स्टेबल है, तो इसके बाद मेरा नाइट्रोजन आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन मेरा सेकेंड सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन यहाँ पे देखिए कहाँ था। अब उसके बाद चलिए देखते हैं फ्रेंड्स बेरिलियम में, उसके बाद बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, लेकिन उसी का उल्टा क्या होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आयनोसन इनथैल्पी होगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, अब चलिए फ्रेंड्स अब जनरल ट्रेंड्स हो जाएगा क्या, कि जो मेरा थ्योरी के हिसाब से था। इसका मतलब इसके बाद लिथियम आएगा, इसके बाद मेरा, उसके बाद फिर कार्बन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फिर फ्लोरीन, ठीक है। मतलब फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब ये मेरा हो गया जो एक्सपेरिमेंटल है, सो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ये है मेरा, और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ही मेरा परफेक्ट ऑर्डर है। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए पीरियड 2 देख लिए, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले फ्रेंड्स, फ्लोरीन को हम Fe लिख दिए हैं, Fe फ्लोरीन का नहीं होता है, ठीक है। Fe नहीं होता है, फ्लोरीन का सिर्फ F होता है, Fe मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो वो थोड़ा जल्दी में लिख दिए हैं, ठीक है, उसको माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। विच इज मोर स्टेबल, ठीक है, एंड विच लूज इजली इलेक्ट्रॉन, विच लूज इजली इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है कि Li- एंड B-, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार प्रयास करें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल मतलब जिसका हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा, और कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन इजली, जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड ना हो वो लूज करेगा इजली इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग प्रयास करें अपने से, तो मैं देखता हूँ फ्रेंड्स इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, जैसे लिथियम, लिथियम का क्या होता है मेरा एटॉमिक नंबर 3, और ये इसके ऊपर -4 है, माइनस मतलब एक ले लिया है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है, मतलब एक ले लिया तो 4 ना हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह इसका देखते हैं, तो ये कितना होता है फ्रेंड्स, इसका 4 होता है और एक ले लिया है तो क्या होगा 5, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है, सॉरी फ्रेंड्स इसका 5 नहीं, इसका 5 होता है और एक ले लेगा तो 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेरिलियम का 4 होता है, ठीक है। तो ये बोरॉन है तो बोरॉन का कितना होता है 5 होता है, और 5 है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एस, और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दो होता है। तो एस में दो होता है, तो दो फुल है। और पी में कितना होता है फ्रेंड्स, पी में मैक्सिमम छः होता है और मिनिमम तीन होता है। मिनिमम तो एक भी नहीं हो सकता है, मैं हाफ फिल और फुल फिल का केस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक दो, सिर्फ दो ही है। तो आप लोग खुद बताइए फ्रेंड्स, कौन हाफ फील्ड है, कौन फुल फील्ड है, या फिर कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिख रहा हो कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब एल आई माइनस इज मोर स्टेबल देन बी माइनस, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट मतलब विच इज मोर स्टेबल, उसका आंसर हो गया। अब विच लूज इजली इलेक्ट्रॉन, तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा फ्रेंड्स, ये मेरा इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो मेरा क्या बना देगा, 1s2 2s2। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया, तो दोनों लूज कर दिया तो क्या बना देगा, फिर अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन, ठीक है। तो अस्टेबल बनाने के लिए ये जल्दी लूज करेगा। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। सेकेंड का आंसर हो जाएगा बी माइनस इज मोर स्टेबल देन एल आई माइनस, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका 5 होता है, ठीक है। मैं 4 बोल दिया था, मुझे लगा बेरिलियम है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग दोनों, मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ग्रुप नंबर ग्रुप 17 है, ठीक है। तो ग्रुप 17 में क्या एक्सेप्शन है, पहले ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा है। तो ग्रुप क्या होता है, डाउन होता है, मतलब नीचे आता है। तो पहले होता है फ्लोरिन, फिर होता है क्लोरिन, फिर होता है ब्रोमिन, फिर होता है आयोडीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं अभी बताया था जिस टाइम शुरू लेक्चर किया था कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेरा साइज बढ़ता है कि घटता है। डाउन द ग्रुप मेरा फ्रेंड्स साइज इंक्रीज करता है, और अगर साइज इंक्रीज करता है तो मेरा क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा तो इसका मतलब नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका होगा। तो देखिए ऑर्डर, ऑर्डर ये होगा आयोडीन, फिर होता है बेरिलियम, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है फ्लोरीन। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग तो जान ही रहे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो मेरा थ्योरी के अनुसार से हम जो ला रहे हैं आंसर वो गलत है। तो मेरा जो रियल ट्रेंड्स होगा, मतलब जो मेरा एक्सपेरिमेंटल आएगा, ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है, जिसको मैं परफेक्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ, और ऑर्डर जो लिख रहा हूँ वो थ्योरी बेस्ड है, मतलब एक्सेप्शन में थ्योरी बेस्ड कभी सही नहीं होता है। परफेक्ट ऑर्डर मतलब जो मेरा एक्सपेरिमेंटल लाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल लाया गया है तो वो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा, अच्छा सॉरी ये तो मैं उल्टा लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैं उल्टा लिख दिया हूँ। क्या किया हूँ फ्रेंड्स, नीचे जाने पे तो मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट ना रहा है फ्रेंड्स, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होगा, फिर होगा क्लोरीन का, फिर होगा ब्रोमीन का, फिर होगा आयोडीन का, ठीक है, ये होगा। मैं उल्टा लिख दिया था, रिवर्स कर दिया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें गलत कहाँ पे है। तो गलत कहाँ पे है फ्रेंड्स, क्या होता है क्लोरीन मेरा जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाता है, फ्लोरीन थोड़ा कम हो जाता है, तो बाकी सब सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं बताता हूँ कि फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन क्यों पहले आ गया फ्लोरीन से, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें नोट कीजिएगा क्या, कि जो मेरा क्लोरीन होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जैसे हीलियम, हीलियम मेरा क्या था, आयोनेशन थैल्पी, पूरा पीरियोडिक टेबल में हीलियम का सबसे ज़्यादा आयोनेशन थैल्पी होता था, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेरा क्लोरीन का जो है वो पूरा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगा। इन लोग नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, क्या कि किसका आयोनेशन थैल्पी सबसे ज़्यादा होता है, या फिर किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, या फिर किसका कम होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको याद रखिएगा कि क्लोरीन हैज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लेकिन ये क्यों आ गया पहले, आप लोगों का मन में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स उसके जानने के लिए एक चीज़ समझिए कि देखिए इसका जो साइज है वो छोटा होगा इसके मुकाबले में क्लोरीन से, फिर जो क्लोरीन का साइज होगा वो इसके मुकाबले में छोटा होगा, मतलब डाउन द ग्रुप तो हम लोग साइज बढ़ता है ना फ्रेंड, तो सिर्फ हमको यही सब दोनों को देखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, मतलब इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा इसके मुकाबले, तो छोटा को नीचे कर दिए, बड़ा को ऊपर कर दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं क्या बताया था, आप लोग थ्योरी के अनुसार से थोड़ा कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन है। थ्योरी में मैं क्या बताया था कि जो छोटा साइज होता है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, मतलब आयोनेशन थैल्पी के केस में था और इसमें भी था, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, कि जल्दी एक्सेप्ट करेगा छोटा है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जल्दी अगर एक्सेप्ट करेगा तो इसका ही ज़्यादा होना चाहिए, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों क्यों इसका ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसका ज़्यादा इसलिए हुआ फ्रेंड्स, साइज हमेशा छोटा होने मैटर नहीं रखता है, मैटर ये रखता है उसके पास स्पेस कितना है, ठीक है। अगर इसके पास साइज छोटा है और पहले से फुल है तो फ्रेंड्स ये क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा।
इसीलिए ये केस में ये ज़्यादा हो गया, मतलब ये क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि फ्रेंड्स दोनों का टेंडेंसी एकदम लगभग सेम होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, लगभग मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों का जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का दोनों का सेम होता है, लेकिन इसके पास स्पेस का कमी हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो छोटा है साइज में और ये थोड़ा सा उससे बड़ा है साइज में, तो स्पेस उसके पास थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है फ्लोरीन के मुकाबले में। समझ में आ गया कि क्यों फ्लोरीन हुआ फ्रेंड्स? तो इसको आप लोग नोट कीजिए फ्रेंड्स अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कमेंट में पूछा कीजिए आप लोग, ठीक है? तो नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ फ्रेंड्स और आगे बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लास्ट में आ गए हम लोग, क्या लास्ट में आ गए? चलिए थोड़ा सा फिर से एक्सेप्शन देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में क्या देखते हैं फ्रेंड्स एक्सेप्शन? जैसे अभी ग्रुप 17 में देखें क्या हो गया कि क्लोरीन का ज़्यादा हो गया किससे? फ्लोरीन से। उसी प्रकार का इन लोग में क्या होता है देख लेते हैं सारा एक ही में। तो जैसे ग्रुप 14 का मेरा क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए याद रखने ट्रिक है, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, याद रखने ट्रिक मैं बताया था कि पिछला वीडियो में, कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर जो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है? उसको भी जाकर देख लें तो याद हो जाएगा अच्छे से कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ठीक है? अब ग्रुप 15 को याद रखने का तरीका क्या है? देखिए ग्रुप 15 को याद रखने का तरीका है ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है? ना पी ऐसे सबके बीच, समझ में आया फ्रेंड्स याद रखने का तरीका क्या है? फिर इसको याद रखने का तरीका क्या है ग्रुप 16 को? ओल्ड स्टाइल से टी ओ, ठीक है? तो और ग्रुप 17 को याद रखने कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही वो तो याद ही रहता, क्योंकि फ्रेंड्स ये याद इसलिए रहता है ना लगभग स्टूडेंट्स को, क्योंकि इससे ही हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इसी से बनता है अधिकतर टाइम, ठीक है? तो देखिए क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन बस यही है हमारे पास, सिर्फ दो एलिमेंट में, मतलब ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 17 में सिर्फ दो एलिमेंट में एक्सेप्शन से मेरा क्या है कि जो फर्स्ट वाला है फ्रेंड्स वो हमेशा ज़्यादा नहीं होगा, सेकेंड वाला ही ज़्यादा हो जाएगा उससे, ठीक है? जैसे कि क्लोरीन हुआ था, उसी तरह सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, समझ में आया फ्रेंड्स एक्सेप्शन क्या है? और बाकी जो जनरल ट्रेंड से मेरा वही चलेगा, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जैसे कि मैं फर्स्ट एक बताता हूँ, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आ रहा, जिसको समझ में आ रहा अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए ये क्या है फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्लोरीन का, फिर जर्मेनियम का, फिर एसएन का, फिर लीड का, समझ में आया फ्रेंड्स मैं क्या बोला? मैं ये बोला कि ग्रुप नंबर 14 से लेकर ग्रुप नंबर 17 में सिर्फ दो ही एलिमेंट का इंटरचेंज होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला है वो सेकेंड में आ जाएगा और जो सेकेंड वाला है वो फर्स्ट में चला जाएगा। इसका मतलब देखिए जो सेकेंड है वो सबसे ज़्यादा हो गया फर्स्ट से, ठीक है? तो जनरल ट्रेंड्स वही है, देखिए ये यहाँ आ गया फर्स्ट, फिर ये सेकेंड आ गया, बाकी जो है सो वही लिख दिए, समझ में आया फ्रेंड्स? उसी प्रकार देखिए ग्रुप नंबर 15 में, मतलब हम उसको सेकेंड मान ले रहे हैं, तो सेकेंड मान लिए तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी का सबसे ज़्यादा, फिर एन का, फिर ए एस का, फिर एस बी का, फिर बी आई का, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स अब ग्रुप नंबर 16 को देखते हैं फ्रेंड्स, 16 से देखने के पहले 17 देखते हैं, क्योंकि 16 में एक और एक्सेप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स 17 को हम 4 लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, है ना? इसलिए 17 को 4 लिख रहे हैं। तो देखिए क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया फ्रेंड्स मैं क्या बोला कि ग्रुप नंबर 14 से लेकर 17 में, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप नंबर 14 से लेकर 17 में सिर्फ दो ही एलिमेंट का इंटरचेंज होगा, वो भी फर्स्ट और सेकेंड का। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो सेकेंड है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और जो फर्स्ट है वो उससे कम हो जाएगा, ठीक है? और ग्रुप नंबर 16 में क्या एक और एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 16 को 3 लिख रहे हैं हम, तो एक और एक्सेप्शन क्या है कि ऑक्सीजन जो है उसका सबसे लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हैज लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी पूरा लिख नहीं लिखते सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्रेंड्स सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो गया इसमें ग्रुप नंबर 16 में, ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा सल्फर का, फिर हो जाएगा सेलोरियम का, फिर हो जाएगा टेलोरियम का, फिर होगा पोलेरियम का, फिर होगा ऑक्सीजन का। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और है क्या कि हम लोग पोलेरियम को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पोलेरियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है? इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ट्रेंड ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 16 का। देखिए फ्रेंड्स ग्रुप नंबर 14 से लेकर 17 में कुछ चेंज नहीं है,
सिर्फ थोड़ा सा ग्रुप नंबर 16 में एक्सचेंज क्या हो गया कि जो फर्स्ट है वो अब लास्ट आ जाएगा, बस इतना ही याद रखना आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर में जितने एक्सेप्शन थे सारे मैं बता चुका फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अब दो लेक्चर और आएंगे, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक यू।